हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ड्रिंग नाइफ फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए बहुत आसान स्कैलप बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ जो कि आप गर्मियों में भी आराम से यूज कर सकते हैं अगर आप कॉटन यान यूज करते हैं या बारीक कोई भी धागा यूज करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये टेन नंबर नीडल्स दी है और जो ये बारीक वो ली है फोपलाई एक्रेलिक यान थोड़ी सी बारीक है ये नॉर्मल से और इसके अलावा जो इसके लिए हमें स्टिचेज लेने हैं फंदे लेने हैं वो एटीन के मल्टीपल में और वन एक्स्ट्रा अठारह के मल्टीपल में एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे तो यहाँ पे मैंने उन्नीस फंदे लिए हैं यानी जो अठारह फंदे हैं उन्हीं को हमने बार बार रिपीट करते जाना है तो देखिए रो वन राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से और क्योंकि स्केलप डिजाइन है तो इसमें अगर हम बॉर्डर नहीं बुनते हैं तो ये और भी अच्छा बनकर आएगा तो इसलिए हम पहली सिलाई जो है वो कास्टून के बाद ही स्टार्ट कर देंगे रो वन राइट साइड तो पहला फंदा भी इसमें हम सीधा बुनेंगे क्योंकि अभी हमने कास्टॉन ही किया था अब देखिए ये हमने एक फंदा सीधा बुना अब एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा और ये जो हमने दो फंदे बुने इनको तीन बार और रिपीट करेंगे पर्ल वन निट वन रिपीट थ्री मोर टाइम्स ये देखिए ये सीधा अब फिर से एक उल्टा एक सीधा दो उल्टा सीधा तीन उल्टा सीधा चार तो ऐसे हमने ये आठ फंदों में एक उल्टा एक सीधा बुन लिया अब धागा आगे लाएंगे इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे तो हमने धागा आगे लाके यहाँ पे एक जाली बना ली और फिर धागा आगे लाके एक जाली बनाएंगे यानो निटवन नितवन अब जो हमने इस तरफ को बुने थे वही फंदे इस तरफ को बुनेंगे यानी कि एक फंदा पहले सीधा आएगा एक उल्टा आएगा पर्ल पर्लवन रिपीट थ्री मोर टाइम्स और ये जो हमारे एक सीधा एक उल्टा बुने हैं यही हमने तीन बार और बुनना है ये देखिए एक सीधा उल्टा दो सीधा उल्टा तीन सीधा उल्टा चार तो ये देखिए दो फंदे हैं तो एक को हमने उल्टा बुन लिया और अब यही 18 फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे कीप रिपीटिंग दिस 18 स्टिचेस और फिर से सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा ऐसे बुनेंगे यहां पे और फिर जब ये 18 फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा क्योंकि हमने 18 के मल्टीपल में जो एक एक्स्ट्रा लिया था वो बचेगा तो उसे हम सीधा बुन लेंगे एंड ऑफ द रो में जब हमारी रो कम्पलीट होगी तब रॉन्ग साइड से हमारे जैसे फंदे हैं वैसे हम इन्हें बुनेंगे वर्क द स्टिचे एज ए अपियर फ्रॉम रॉन्ग साइड अब देखिए एक फंदे को स्लिप किया ये सीधा जाएगा ये फंदा उल्टा जाएगा सीधा उल्टा तो वन बाय वन जो है स्कलर जो है ये डिजाइन है आप इसे एज बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं और ऑल ओवर किसी प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं अब ये जो हमारे उल्टा जो ये जाली वाले फंदे हैं फ्रेंड्स ये भी उल्टे आएंगे यानोवर्स टू तो ऐसे हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है उल्टा सीधा एक रो मैं आपको बताऊंगी उसके बाद हमने रॉन्ग साइड की रोज जो है ऐसे ही बुननी है जैसे फंदे दिखेंगे हमारे तो बाकी रोज मैं आपको फिर रॉन्ग साइड से नहीं बताऊंगी देखिए ऐसे हमने ये रो टू कंप्लीट कर ली लास्ट फंदा हमारा उल्टा जाएगा अब रॉ थ्री तीसरी सिलाई अब फिर से एक फंदे को हम स्लिप करेंगे अब क्योंकि अब तो हमने ये जो है पहला फंदा जैसे स्लिप करते वैसे ही करना है अब ये आठ फंदे फिर वैसे ही आएंगे एक उल्टा एक सीधा वर्क ए स्टिचेस एज वी डिड अर्लियर एक उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और ये सीधा और अब ये जो हमने जाली बनाई थी इससे पहले जाली बनेगी और ये जो दो जाली थी और बीच में एक सीधा फंदा था ये तीनों फंदे सीधे आ जाएंगे यानुवा, नित्री या नोवा तो जो पहले एक सीधा था अब ये तीन सीधे हो गए फिर यहां पे धागा आगे लाके हमने जाली बना ली और अब इस तरफ के फंदे भी जैसे हैं वैसे हम इन्हें बुनेंगे एक सीधा एक उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा ऐसे और लास्ट फंदा हमारा सीधा जाएगा तो ऐसे हमने ये थर्ड रो कंप्लीट कर ली अब फोर्थ रो हम जैसे हैं फंदे वैसे बुन लेंगे फोर्थ रो वर्क द स्टिचेस ऐसे अपीयर तो अब हम ये देखिए सीधा उल्टा में स्टार्ट करना आपको बता दूंगी उल्टा तो ऐसे अब ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हम फोर्थ रो कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे हर बार सीधी तरफ से जो ये दो जाली बनती है इसकी वजह से ये बीच वाले फंदे बढ़ते जाते हैं देखिए पहले ये एक था फिर तीन थे अब ये पांच हो चुके हैं तो इस रो में हमने देखिए क्या करना है रो फिफ्थ पांचवी सिलाई जो ये साइड के फंदे हैं तो ऐसे ही बुने जाएंगे एक उल्टा एक सीधा इन्हें आप ऐसे ही बुनते जाइएगा उल्टा सीधा उल्टा, उल्टा सीधा उल्टा सीधा अब फिर यहाँ पे जाली से पहले जाली आएगी और ये पांच फंदे सीधे आएंगे तो हर बार ये जो है पांच जो ये बीच के फंदे हैं दो दो करके बढ़ते जाएंगे ऐसे फिर धागा लाएंगे फिर एक फंदा सीधा एक उल्टा बहुत ही आसान बुनाई डिजाइन है लेकिन देखने में मुश्किल लगता है बनाने में बहुत ही इजी है जो ये फंदे हमारे हर बार दो दो बढ़ रहे हैं इनको हमने लास्ट में जो है रिकवर करना है देखिएगा कैसे करेंगे ऐसे तो ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई सिक्स रो फिर से हम जैसे है फंदे वैसे बुन लेंगे वर्क द स्टिचेस ऐसे अपियर फ्रेंड्स देखिए सिक्स रो हम बुन चुके हैं सेवन रो सातवीं सिलाई फिर वैसे ही बुनी जाएगी बहुत ही आसान है देखिए फिर से हमने उल्टा सॉरी सीधा उल्टा सीधा ये अब थोड़ा फास्ट बुन लेते हैं आठ फंदे अब फिर से यहाँ पे चाली आएगी और इस बार ये सात फंदे सीधे आ जाएंगे निट सेवन और फिर धागा के लाके जाली चाली बनाएंगे और फिर से इस तरफ के फंदे जो है वो एक सीधा एक उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और फ्रेंड्स देखिए अब जो ये हमने उल्टा बुना उसके बाद हमने फिर से सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा ये वाले भी फंदे यहाँ पे बुनने हैं आगे मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि यही अठारह फंदे हम बार बार रिपीट करेंगे ये जो लास्ट फंदा है ये सिर्फ जब रो के लास्ट वाला फंदा होगा उसमें बुना जाएगा और ये अठारह फंदे ही हमने बार बार रिपीट करने हैं तो फिर से सीधा उल्टा सीधा उल्टा जो है इस फंदे के बाद बुने जाएंगे इतने ही फंदे अब लास्ट में फिर एक फंदा जो बचेगा उसे सीधा बुन लेंगे अब इस तरफ से इन फंदों को फिर से जैसे हैं वैसे ही इन्हें बुन लेंगे फ्रेंड्स एट रो कंप्लीट हो चुकी है दस सिलाइयों का ये पैटर्न है टेनरोज का पैटर्न है अब देखिए नाइन थ्रो नौवीं सिलाई ध्यान से देखिएगा अब हमारे ये जो फंदे थे यहाँ पे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं अब नाइन थ्रो में हमने क्या करना है देखिए पहले फंदे को स्लिप किया अब ये जो सीधा फंदा है इसे इस उल्टे फंदे के साथ दो का इकते बुन देंगे जो फंदे यहाँ पे बढ़े हैं उन्हें हम यहाँ पे कम करेंगे तो दो का एक किया फिर अगले दो फंदों में भी दो का एक किया फिर अगले दो फंदों में भी दो का एक किया तो ऐसे हमने ये चार बार दो का देना है टू टूगेदर थ्री फोर टाइम्स ये देखिए ऐसे अब फिर यहां पे हमने ये जो हमारा जाली वाला फंदा है इसे हम सॉरी इसे भी उल्ट सीधा बुन लेंगे और इन बीच के फंदों को भी सीधा बुन लेंगे ऐसे इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे और अब इस तरफ से हमने इन फंदों को ऐसे स्लिप स्लिप करके दो करना है क्योंकि सीधा फंदा जो है ये ऊपर रहना चाहिए जैसे इस तरफ रह रहा है ये देखिए तो इस तरफ इसे ऊपर रखने के लिए हमें एसएसके करना है यानी स्लिप स्लिप नेट सीधा फंदा स्लिप किया फिर उल्टा किया फिर दो का दिया एस एसके फोर टाइम्स स्लिप स्लिप निट तो सीधे फंदे को स्लिप किया उल्टे को किया और दो का एक कर दिया चार बार ये कर दिया अब फिर हमने यहाँ पे जैसे इस तरफ किया है वही करते जाएंगे यानी जैसे ये हमारा एक फंदा सीधा आया था तो ये बीच का फंदा सीधा आएगा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये पैटर्न मैंने इस तरह से बनाया है तो जो ये बीच का फंदा है इस तरफ भी दो का एक दो का एक दो का एक चार बार किया इस तरफ भी दो का एक दो का एक चार बार किया बीच में जो ये एक फंदा है सीधा चलता जाएगा इसको हमने सिंगल एक ही फंदा करके बुनना है क्योंकि ये बीच में रहेगा तो अभी ये यही फंदा है जिसको हमने सीधा बुन लिया है होप ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी तो अब अगली सिलाई जो है हमारी टें थ्रो दसवीं सिलाई इसमें आप चाहे तो सारे फंदे सीधे भी बुन सकते हैं मैं यहाँ पे सारे फंदे उल्टे बुनूंगी अगर हम सीधे बुनते हैं तो ये जो लाइन सी है ये राइट साइड पे आएगी और उल्टे बुनते हैं तो ये लाइन जो है ये रॉन्ग साइड पे आएगी तो अभी हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे पर्ल ऑल तो ये हमने उल्टी सिलाई बुन ली है और अब यही जो दस सिलाईया हैं इन्हीं को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे कीप रिपीटिंग दीज टेन रोज एंड दीज एटीन स्टिचेस तो अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी ग्यारहवीं सिलाई रो फर्स्ट की तरह कैसे बुननी है पहले फंदे को स्लिप करेंगे अब एक उल्टा और एक सीधा फंदा जो है वो चार बार बुनेंगे वर्ल वन नीट वन फोर टाइम्स तो ये फर्स्ट रो को ही हम रिपीट कर रहे हैं इलेवेंथ रो तो के लिए ग्यारहवीं सिलाई के लिए तीन और ये चार चार बार ऐसे किया अब फिर से ये जो बीच वाला देखिए फंदा ये बीच का चलता जाएगा इसी के आगे और पीछे हमने जाली बना लेनी है फिर से जैसे रो वन में बनाई थी अब फिर यहाँ पे पहले एक सीधा आएगा फिर एक उल्टा चार बार अब एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे फिर लास्ट फंदा सीधा आ जाएगा तो ये हमने फर्स्ट रो जैसे बुनी ऐसे ही अब हम सेकेंड रो और फिर ऐसे ही ये दस दस सिलाइयां बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे तो जब ये टेन रोज हम बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए ये हमारा इतना प्यारा सा पैटर्न बनता जाएगा फ्रेंड्स uh, ये मैं एक समर्स के लिए बहुत ही प्यारी सी बेबी की ड्रेस बनाने जा रही हूँ जो कि एडल्ट गर्ल है वो भी पहन सकती है क्योंकि एज टॉप वो पहन सकती है और इसको जो है छोटी बच्ची भी पहन सकती है एज फ्रॉक क्योंकि काफी स्ट्रेचेबल बनती है बड़ी लड़की भी पहन सकती है और अगर इसे स्ट्रेच ना करे तो इसे छोटी लड़की भी पहन सकती है तो ये एक मल्टीपर्पज ड्रेस बनेगी अगर आपको ये बनानी होगी तो मैं अपने नई वीडियो में जो है इसका आपको ट्यूटोरियल दूंगी कि कैसे हमने इसे बनाना है तो इसके लिए आपको सैटन रिबन भी चाहिए होगा थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो वो भी कोई बात नहीं है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये ड्रेस बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कितने हमने इस ड्रेस के लिए फंदे लेने हैं और उसमें हमने इसी पैटर्न को जो है थोड़ा सा चेंज करके स्टार्ट करना है तो वो भी मैं उस वीडियो में आपको जो है पूरी तरह से बताऊंगी स्टेप वाइज मिलते हैं फिर इस वीडियो के साथ तब तक जुड़े रहिए चैनल से टेक केयर